हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अडेप्टर क्लासेस। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम इवेंट हैंडलिंग करते हैं तो उसके लिए हम इंटरफेसेस का यूज़ करते हैं, बट इंटरफेस को यूज़ करते वक्त एक प्रॉब्लम आती है कि इंटरफेस में जितने भी मेथड्स हैं उन सबको ओवरराइड करना कंपलसरी है, विच मेक्स द प्रोग्रामिंग अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। बिकॉज इफ देर आर फाइव मेथड्स इन अ इंटरफेस, देन वी हैव टू ओवरराइड ऑल दिस फाइव मेथड्स। और हो सकता है कि हमें सिर्फ एक ही मेथड को यूज़ करना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इन पांचों मेथड्स को ओवरराइड करते हैं, एक मेथड को हम डिफाइन करते हैं और बाकी फोर मेथड्स की ब्लैंक डेफिनेशन हम देते हैं, विच इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन और आइडियल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। सो फॉर दिस पर्पज़ और फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इवेंट हैंडलिंग टास्क, अडेप्टर क्लासेज आर इंट्रोड्यूस इन जावा। सो आई विल शो यू हाउ टू यूज अडेप्टर क्लासेज, वट इज़ द कंसेप्ट ऑफ अडेप्टर क्लासेज इन इवेंट हैंडलिंग ऑफ जावा। सो अडेप्टर क्लासेज आर यूज टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इवेंट हैंडलिंग। बेसिकली अडेप्टर क्लासेस क्या करती हैं, दीज क्लासेस प्रोवाइड एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द मेथड्स इन एन इवेंट लिसनर इंटरफेस। तो अगर एक इंटरफेस है, सपोज एक्शन लिसनर एक इंटरफेस है और इसके अंदर इफ देर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स, सो there will be an adapter class of this interface, suppose action adapter for example, then this action adapter will contain the blank definition of these n methods. So now I will extend this action adapter class. I do not have to define all the methods which are present in this interface, kyunki उनकी ब्लैंक डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट इस एक्शन अडेप्टर क्लास में जो हम इनहेरिट कर रहे हैं। सो यू जस्ट हैव टू डिफाइन अ न्यू क्लास टू एक्ट एज इवेंट लिसनर बाय एक्सटेंडिंग वन ऑफ द अडेप्टर क्लासेस, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, एंड इम्प्लीमेंटिंग ओनली दोज मेथड्स दैट यू वॉन्ट टू यूज इन योर कोड। सो अगर जैसे आपने यहाँ पे एन मेथड्स की ब्लैंक डेफिनेशन आ गई और आपने एक क्लास में इसको इनहेरिट कर लिया, उसके बाद आप सिर्फ एक ही मेथड को भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर सारे मेथड्स को एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो दीज आर अडेप्टर क्लासेस। नाउ टू शो द इम्पॉर्टेंस और यूजिबिलिटी ऑफ अडेप्टर क्लास, आई विल शो वन एग्जांपल वेयर आई विल यूज माउस मोशन लिसनर। अब जैसे आपको पता है कि माउस मोशन लिसनर में दो मेथड्स होते हैं, और अगर मैं माउस मोशन लिसनर को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मुझे दोनों मेथड्स को डिफाइन करना कंपलसरी है, वेदर आई हैव टू यूज़ बोथ और सिंगल मेथड। सो नाउ वी विल सी हाउ टू क्रिएट अडेप्टर क्लासेस और हाउ टू यूज़ द इनबिल्ट अडेप्टर क्लासेस ऑफ जावा। सो हेयर आई विल राइट द कोड, एंड वंस आई विल राइट द कोड आई विल कम बैक टू द वीडियो एंड एक्सप्लेन हाउ द कोड वर्क्स। ओके, सो नाउ वी विल सी हाउ दिस एक्शन अडेप्टर माउस मोशन अडेप्टर वर्क्स। यहाँ पे मैंने एक फ्रेम बनाया है, अडेप्टर वन नाम की क्लास है, फ्रेम को इनिशियलाइज किया। अब हम नॉर्मली क्या करते थे, पहले हम करंट इंस्टेंस से इसको बाइंड करते थे या रजिस्टर करते थे, बट नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस यू हैव टू यूज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द अडेप्टर क्लास। सो सपोज द अडेप्टर क्लास आई एम मेकिंग इज एम वन, सो आई विल राइट हेयर instead of this write new m1. What is this new m1? This is calling the constructor of the class with the name m1. यहाँ पे आप लिख सकते हैं f dot set visible and f dot set layout, मैं यहाँ पे नहीं लिखा अभी। Now see how this m1 class works. Define one m1 class, class m1, which is extending the adapter class of this particular interface, which is mouse motion adapter.
एंड नाउ अंडर दिस क्लास यू कैन डिफाइन ओनली दोज मेथड्स विच आर रिक्वायर्ड इन योर प्रोग्राम. सो एज इज दिस इंटरफेस कंटेन टू मेथड्स, वन इज माउस मूव्ड एंड अनदर इज माउस ड्रैग्ड. एंड इफ आई हैव टू यूज ओनली माउस मूव्ड, सो आई विल डिफाइन हेयर ओनली माउस मूव्ड. पब्लिक वॉइड माउस मूव्ड माउस इवेंट एंड द ऑब्जेक्ट एंड अंडर दिस मेथड यू कैन राइट योर फंक्शनैलिटी विच इज एग्जैक्टली द सेम एज यू हैव यूज्ड इन द इंटरफेस. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट नाउ यू डोंट हैव टू इम्प्लीमेंट द इंटरफेस विच इज दिस. वी आर बाइंडिंग द फ्रेम विद द इंटरफेस and instead of passing the object or the instance of this class, I am passing the instance of this particular class. So this is calling this. So we can say that this new M1 is nothing but the reference to this M1 class, which is actually the child class or the base class of the mouse motion adapter class. So this is how adapter class works, where you have to use or you have to override only the methods that are required in your program. Theory exams में normally पूछा जाता है कि adapter classes क्यों introduce हुई थी Java में, what are the benefits of adapter class and how adapter class actually works or an example of adapter class. So you need to know that adapter classes are nothing but the extension of interfaces for event handling that contains blank definition of all the methods in that interface. I will show the complete working of this program in another video in Java 1.8 version. Thank you for watching the video. Thank you.